नमस्कार दोस्तों, द ट्रैवलिंग एडवेंचर चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट संजय मोहन। दोस्तों, जैसे हम सब जानते हैं कि श्री अमरनाथ जी की यात्रा करने के लिए विश्व भर से दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इतनी दूर से जब आप यात्रा करने के लिए आएँ और यात्रा के बाद कुछ ऐसी जगहें हैं जो आप देखे बिना वापस मत जाएँ, क्योंकि बार बार यहाँ पर आना एक काफी मुश्किल काम है। दोस्तों, सबसे पहले आता है श्रीनगर। श्रीनगर भारत के जम्मू एवं कश्मीर प्रांत का जिला है। जिले का मुख्यालय श्रीनगर है। कश्मीर घाटी के मध्य में बसा श्रीनगर भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। श्रीनगर एक ओर जहां डल झील के लिए प्रसिद्ध है, वहीं दूसरी ओर विभिन्न मंदिरों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। दूसरे नंबर पे आता है गुलमर्ग। गुलमर्ग श्रीनगर सिटी से 47 किलोमीटर डिस्टेंस पे लोकेटेड है और ये अपने गंडोला और स्कीइंग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तीसरे नंबर पे आता है पहलगाम। पहलगाम श्रीनगर सिटी से 90 किलोमीटर डिस्टेंस पे लोकेटेड है और इसकी जो मेन प्रसिद्धि है वो लिदर नदी के कारण है, जो एक बहुत ही खूबसूरत नदी है और इसका जो स्वच्छ ठंडा जल, इसमें आप पाँव डाल के बैठेंगे तो आपको जन्नत का एहसास होगा। दोस्तों, चौथे नंबर पे आता है दनो वैली। दनो वैली पहलगाम का ही एक लोकल टूरिस्ट हिल स्टेशन है। ये काफी सुंदर वैली है। पांचवें नंबर पे आती है बायसरन वैली। बायसरन वैली दनो वैली के आगे आती है। इसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। एक बहुत ही खूबसूरत वैली है। दोस्तों, छठे नंबर पे आती है बेताब वैली। बेताब वैली चंदनवाड़ी के रास्ते में ही आती है और ये इसका नाम बेताब वैली इसलिए पड़ा था कि यहाँ पे सनी देओल की जो पिक्चर थी बेताब, उसकी शूटिंग हुई थी और उसी के कारण ये वैली बेताब वैली के नाम से मशहूर है। आज इसमें काफ़ी लोग आते हैं इसे देखने के लिए। दोस्तों, आगे आता है जोजिला पास 0.। जोजिला पास 0.,। सोनमर्ग से 24 किलोमीटर डिस्टेंस पे लोकेटेड है और ये बालटाल के रास्ते में ही आता है। इस जगह पे आपको काफ़ी बर्फ की एक्टिविटीज़ जैसे स्नो स्कूटर, स्लेज और काफ़ी फैसिलिटी इधर आपको अवेलेबल हो जाएंगी और यहाँ पे आप बैठ के मैगी खाने का जो मज़ा बिल्कुल अलग ही है। दोस्तों, इन सब जगहों की डिटेल वीडियो मैंने बना रखी हैं, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहाँ से जाके देख सकते हैं। इनकी मैं प्लेलिस्ट भी लगा दूंगा। तो आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। आपका एक लाइक और आपका एक कमेंट हमें शक्ति बढ़ता है कि हम अच्छी से अच्छी वीडियो बना के आपके सामने पेश कर सकें। धन्यवाद।